हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक जो है 498A की FIR जो कि 15 पेज की थी और बहुत ही डिटेल थी, जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस भी थे, वो ऑनेबल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी। ऑनेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, और कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है ये वीडियो जो है पूरी तरह देखना है। देखिए क्या है कि ये जो जजमेंट है, इसमें जो है 15 पेज की कंप्लेंट जो है वाइफ ने कर दी थी, और FIR जो है हस्बैंड और उसकी फैमिली को इम्प्लीकेट कर दिया था फॉल्स 498A केस में, जो कि होता है। उसके बाद जो है हस्बैंड जो है उसने जो है ऑनेबल हाई कोर्ट में जो है एक 482 यानी क्वाशिंग की जो है अर्जी फाइल की थी। हालांकि जो FIR है वो मैंने देखी, उसका पूरा कंटेंट है जो है उस जजमेंट में लिखा हुआ है, और वो पूरा प्रोड्यूस किया है ऑनेबल हाई कोर्ट ने। उस जजमेंट जो FIR थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल में दी हुई थी, और उसके बावजूद जो है ऑनेबल हाई कोर्ट ने वो पूरी की पूरी FIR जो है क्वैश कर दी। अब ये देखिए कि इस केस के पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस क्या हैं। क्या इस केस में जो है ऐसा अलग था कि पूरा जो है FIR ही क्वैश कर दी, जो जनरली पॉसिबल नहीं है। अगर आपका जो केस है जो इतने एक्सटेंसिव FIR है, इतनी डिटेल में FIR है, जो कि हालांकि नहीं हाई कोर्ट इंटरफेयर करता है ऐसे केसेस में, तो इस केस में क्या अलग था कि जो हाई कोर्ट है ऑनेबल हाई कोर्ट उन्होंने इंटरफेयर किया और पूरा का पूरा केस ही ख़त्म कर दिया। देखिए क्या है कि इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड ने जो है डाइवोर्स ले लिया था US में। हस्बैंड ने डाइवोर्स लिया, कंटेस्टेड डाइवोर्स लिया, मेरिट पे डाइवोर्स लिया USA में, और USA से जो है वाइफ को वापस इंडिया आना पड़ा, क्योंकि उसका जो डिपेंडेंट वीज़ा था वो भी कैंसिल हो गया था। और इंडिया आके उसने जो है बाकी जो एक बहुत ही डिटेल्ड FIR की, और FIR की जो है रजिस्टर हो गई, 15 पेज की FIR थी कम से कम। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड ने फिर 482 CRPC में क्वाशिंग के लिए मूव किया। हस्बैंड ने ये सबमिट किया ऑनेबल हाई कोर्ट में कि जनाब ये जो FIR है ये मालाफाइड इंटेंट से है। अब ये वर्ड मालाफाइड इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ है उसकी जो इंटेंशन है वो साफ साफ दिख जाती है, प्राइमा फेसा ही दिख जाती है कि वो गलत है। जब उसे डिवोर्स मिल गया, जब उसका डिपेंडेंट वीज़ा कैंसिल हुआ, तब वो आती है इंडिया और कहती है कि जी मेरे साथ जो है क्रुएल्टी हुई, मेरे साथ जो है दहेज का उत्पीड़न हुआ, और मेरी जो है कंप्लेंट रजिस्टर की जाए, FIR रजिस्टर की जाए। उससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं, और जो जहाँ एलिगेशंस हुए वो ये कहती कि यूएस में रहते थे, तो ऑब्वियसली यूएस का एलिगेशन सारे उस कंप्लेंट में थे कि यूएस में जो है ये सारे एलिगेशंस हुए। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके साथ यूएस में ये सारे एलिगेशंस हुए थे तो आपने वहाँ पे कंप्लेंट क्यों नहीं की, और अगर वहाँ पे आपने कंप्लेंट कोई की है तो फिर वहाँ की अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगी। यहाँ पे जो है री इन्वेस्टिगेशन वही एलिगेशंस पे जो यूएस में हुए हैं, जो कि इंडिया में हुए ही नहीं है, तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है दोबारा हम अलाउ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मालाफाइड इंटेंट है कि आप जो है इंडिया आए, आपको डिवोर्स मिला वहाँ पे और आपको इंडिया आना पड़ा, और उसके बाद ही आपने जो है ये केसेस फाइल किए, जो कि साफ साफ दिखाता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं थी। और दूसरा, जब एलिगेशंस भी कोर्ट ने कंसिडर किए तो कोर्ट ने ये कहा कि ये तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिज है, जो एलिगेशंस है वो 498A के एम्बिट में नहीं आते हैं, और कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की है उसमें, और जो भी मतलब श्रीधन की भी बात है तो उसमें भी जो है 406 का प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि वाइफ जो है उसने शादी के पहले दिन अगर हैंडओवर कर भी दिया अपना श्रीधन, वो श्रीधन जो है फॉर सेफ कस्टडी के लिए हैंडओवर किया, उससे कोई ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती वो एलिगेशन प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ऑनेबल हाईकोर्ट ने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की, और साथ साथ जो इंटेंशन थी वाइफ की कि उसने जो है क्योंकि उसे इंडिया आना पड़ा, क्योंकि US में उसे जो है डिवोर्स मिला जिसकी वजह से वो उसे इंडिया आना पड़ा, उसकी वजह से जो है उसने ये FIR दर्ज करा दी, और ये बिल्कुल मालाफाइड इंटेंट के परव्यू में आता है, जो कि भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट पूरी पूरी कवर करता है, और भी बहुत सारी जजमेंट्स दी गई हैं। अब बात करते हैं ये जजमेंट आपको कहाँ मिलेगी।
ये जजमेंट आपको मेरे ब्लॉग पे मिलेगी lexpeak.in पे। उसका जो लिंक है आर्टिकल का, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये जो जजमेंट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्कैन कॉपी जो है इसकी अवेलेबल कर दी है, ऑनलाइन ये जो है अवेलेबल नहीं थी और ये सिर्फ एक जर्नल में अवेलेबल थी, तो मैंने जो है आपके लिए जो है उसका स्कैन कॉपी करके लिख दी, वहाँ लिंक दे दिया है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।